हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल से बहुत ज़्यादा जो कमेंट आ रहे थे हमारे पास LIC IDO का कट ऑफ बताने के लिए और एंड उसके साथ साथ एग्जाम बाय टर्न सिलेबस सिलेक्शन मोड एंड वैकेंसी LMD एनालिसिस, ये सारी चीज़ बताने के लिए कल से बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। तो इसलिए आज मैं LIC IDO का कंप्लीट वीडियो आपको दूंगा। इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं बताऊंगा, समझाऊंगा कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है, एग्जाम पैटर्न क्या क्या है और सिलेबस में क्या क्या जो है आपको रीडिंग करना है और उसके साथ सिलेक्शन मोड कितने टाइप्स के हैं और वैकेंसी कितनी आई है और LMT एनालिसिस में जो है क्या क्या प्रोसेस पूछ सकता है। तो यही सारा जो है इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो ले चलते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे सिंपली जो है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो सो गाइस, हम जो है यहाँ पे अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे LIC IDO का प्रीलिम्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023 का कितना जा सकता है और इसके एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस वैकेंसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पे LIC अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2023, ये गाइस जो है प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए जो है नहीं है। जो कमेंट आए थे हमारे पास वो ओनली प्रीलिम्स के लिए आए थे। तो इसमें सिलेबस वैकेंसी और एंड आप उसके साथ साथ जो होता है LMT का सारा एनालिसिस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंटों की तरफ से जो पूछा गया था, जो रिक्वेस्ट किए थे स्टूडेंट कट ऑफ के बारे में, एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, सिलेक्शन मोड के बारे में, वैकेंसी LMT एनालिसिस के बारे में, लेटेस्ट मॉक टेस्ट एनालिसिस के बारे में। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो बात करेंगे जो है प्रीलिम्स कट ऑफ के बारे में, इसका जो एक्सपेक्टेड कितना जा सकता है। मैं अगर बात करूं जनरल के लिए तो इसका जनरल कट ऑफ 52 से 58 तक एक्सपेक्टेड में इसका जा सकता है। एक कट ऑफ जो है कई साल के प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग से जो है एनालिसिस करके निकाला जाता है और EWS जो होता है EWS का जो कट ऑफ जाएगा 50 से 56 तक इसका जा सकता है। OBC की अगर मैं बात करूँ तो OBC का जो है 46 से 52 तक एक्सपेक्टेड में जा सकता है और SC का जो है 42 से 48 तक इसका एक्सपेक्टेड में जा सकता है और ST का जो होता है 37 से 41 तक इसका एक्सपेक्टेड में जा सकता है। और इसमें जो होता है कि आउट ऑफ मार्क्स कितने का है, इसमें AP कमेंट पूछा गया था, तो वो आउट ऑफ मार्क्स जो होता है 70 का है। मैं आपको सारा जो है एग्जाम पैटर्न दिखाऊँगा, वहाँ से देख के समझ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। LIC IDO का जो है एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, इसमें सब्जेक्ट, इसमें जो सब्जेक्ट देखने को जो मिलेगा रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल कर एबिलिटी और इंग्लिश। इंग्लिश का जो मार्क्स होता है इंक्लूड नहीं किया जाता है जो है कट ऑफ में, ना कट ऑफ में इंक्लूड नहीं किया जाता है क्योंकि इसका भी 30 मार्क्स जो है रखा जाता है 30 मार्क्स और उसके बाद जो है इसे सब्जेक्ट जो है होना मैंडेटरी है हर स्टूडेंट के लिए। इसको कहा जाए तो इसको ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में भी रखा गया है इस पर LIC IDO में। तो जैसे कि रीजनिंग एबिलिटी में जो क्वेश्चन आएंगे 35 क्वेश्चन आएंगे 35 मार्क्स के आएंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और ड्यूरेशन आपको जो 20 मिनट्स रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज में आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे। और न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करूँ तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 क्वेश्चन आएंगे, 35 मार्क्स के आएंगे और इसमें 20 मिनट्स आपको देखने को मिल जाएगा। और इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आएंगे, इसमें भी 20 मिनट, यानी कि आपको जो है 1 आवर 60 मिनट में आपको जो है सारा पेपर आपको सोल्व करना है एक घंटे में। इसमें 100 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऑनलाइन एग्जाम इसका कंडक्ट करा जाएगा। जो भी डाउट है गाइस आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई देने के लिए। तो इसमें जो होता है कि इंग्लिश का जो मार्क्स इंक्लूड नहीं किया जाता है। कई सारे बंदे पूछ रहे थे कि सर जो है आप जो बता रहे हैं वो इसमें तो 100 आ रहा है लेकिन
जो है इसमें आउट ऑफ मार्क्स आप 70 बता रहे हैं, तो 70 है, लेकिन इसमें 30 मार्क्स जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में रखा गया है, इसमें पास होना मैंडेटरी होता है, तो इसका मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। मैंने जो नोट में मैंने यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे देख भी सकते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट मार्क्स नॉट इंक्लूड इन द फाइनल मेरिट मार्क्स विच दैट इंग्लिश सब्जेक्ट इज द नॉट इंक्लूडेड, ये आपको इंक्लूड नहीं किया जाता। अब यहाँ पे बात करेंगे सिलेबस पैटर्न के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया पोस्ट इसमें जो होता है आई है अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर, एग्जाम पैटर्न नेम LIC ADO, कैटेगरी जो है सिलेबस, यहाँ पे एग्जाम डेट जो होता है 12 मार्च 2023, इसलिए मुझे लिखना पड़ा एग्जाम डेट के बारे में, क्योंकि जो है कई सारे बंदे पूछे थे कि इसका एग्जाम डेट कब तक मिल सकता है, तो इसका एग्जाम अक्सर जो होता है मार्च के मंथ में ही कंडक्ट करा जाता है, तो इसका जो है 12 मार्च से समथिंग जो है इसके एग्जाम होंगे, तो उस एग्जाम से पहले आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें कई सारे बंदों का ये भी डाउट था, हमारे वेबसाइट पर पूछे थे कि इसमें जो एग्जाम का मोड रहेगा वो कौन सा मोड रहेगा, एंड रिटेन रहेगा कि ऑनलाइन रहेगा या तो ऑफलाइन रहेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें जो है पॉइंट, इसमें एग्जाम आपका जो कंडक्ट करा जाएगा ये आपका जो है ऑनलाइन मोड से कंडक्ट करा जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज होते हैं, जैसे UPSC में 3 स्टेज होते हैं, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू होता है, उसी प्रकार इसमें भी स्टेज है, आपका जो एग्जाम होगा प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा। जो मैं कटा बता रहा हूँ इस समय करंट टाइम में वो जो है प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इसकी वैकेंसी एग्जैक्टली जो है रिलीज हो चुकी है। अब रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग कौन कौन सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो रीजनिंग जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशंस, साइलोजिस्म, ऑर्डर एंड रैंकिंग एंड मशीन इनपुट एंड आउटपुट इन क्वालिटी एंड अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल सीरीज, डेटा सफिशियंसी, लॉजिकल रीजनिंग। हमारे पास इसका ई बुक है, अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या तो हमारे वेबसाइट पे विजिट करके वहां से इसको ले सकते हैं। आपको जो है डेमो के भी मोड में मिल जाएगा, और आफ्टर दैट आपको जो है प्रीमियम के भी मोड में मिल जाएगा, तो वहां से आप दे सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे ले भी सकते हैं, और आप वहां से रीडिंग भी कर सकते हैं। तो कई सारे ऑप्शन मैंने प्रोवाइड कर दिया है। और न्यूमेरिकल की बात करो तो न्यूमेरिकल जो होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में बार ग्राफ, लाइन चार्ट, टेबुलर एंड कैसलेट, राडार, वेब पाई चार्ट वगैरह के बारे में न्यूमेरिकल पूछ सकता है। आपका इन इक्वालिटी में जो होता है इसको देख लीजिएगा। नंबर सीरीज मैंने जो शॉर्ट वीडियो से लेकर कई सारे बताए थे, मैंने कई सारे जो फॉर्मूला बताए थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड, अगर आपने देखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं देखा होगा तो आप जाके वीडियो में भी दे सकते हैं, और उसके साथ साथ हमारे वेबसाइट पर भी आपको अच्छी तरह से इसका डेटा मिल जाएगा, वहां से पढ़ भी सकते हैं। पर अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन, डेटा सफिशियंसी, मिसलेनियस अर्थमेटिक प्रॉब्लम, HCF, LCM, प्रॉफिट लॉस, SI, प्रॉब्लम ऑन एज, वर्क टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम प्रोबेबिलिटी, इंश्योरेंसेस, परपुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, एवरेज रेशियो, प्रोपरेशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको देख लीजिए गाइस। इंग्लिश में क्या पूछ सकता है, इंग्लिश में रीडिंग कंप्रेहेंसन, जैसे कि UPSC वगैरह में पूछता है, UPSC का प्रिंट, तो इसमें जो है जो सेकंड पेपर होता है GS का, इसको जो है GS का सेकंड पेपर में रीडिंग कंप्रेहेंसन पूछता है, तो इसमें भी रीडिंग कंप्रेहेंसन आपसे पूछेगा, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको रीड करके आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। और जो है फिलर्स, क्लोज टेस्ट, जो सेंटेंस एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, आप होता है जंबल, पैराग्राफ, वर्ड यूजेज एंड फ्रेसेस, कनेक्टर्स, थी पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस, ये सारा आप जो देख सकते हैं। वैकेंसी अपडेट में, वैकेंसी अपडेट जो निकल के आई है, फॉर्म फिल करने का डेट स्टार्ट हो चुका है 21/1/2023 फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट अप्लाई करने का जो है 10/10/2023 है, यहाँ पे सॉरी गाइस, यहाँ पे जो है 2 होना चाहिए 1 है, यहाँ पे यानी कि 10/2023 है। यहाँ जो टोटल वैकेंसी जो आई इस पर 9394 वैकेंसी आई है। यहाँ पे एक क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, ये सारे जो है मेन प्रोसेस है, यहाँ से चाहे तो फॉर्म अप्लाई भी कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉर्म को डायरेक्टली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या तो नोटिफिकेशन रीडिंग कर सकते हैं।
अगर आप इसका लिंक में जो है अपने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके सारे डिटेल्स वगैरह जो है पढ़ भी सकते हैं, वहाँ से उसको देख भी सकते हैं। तो यानी कि आप वहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों के पास कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट और नए टिप्स और नए डेटा के साथ। थैंक यू सो मच।